न्यू नोबल प्राइमरी स्कूल टिंटोई कक्षा 7 हिंदी स्वाध्याय पोथी में चैप्टर 3 सच्चा हीरा कहानी ना प्रश्नों जोईशु। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए इस चौरस खाने में लिखिए। तो पहला है, कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? ए जगत, बी टेकरी, सी बावड़ी, डी बैठक। तो उत्तर आएगा ए जगत, यहाँ लिखना है ए। दूसरा, देवताओं के गुरु कौन है? ए नारद, बी वाचस्पति, सी वनस्पति, डी बृहस्पति। तो उत्तर डी बृहस्पति। तीसरा, विद्या की देवी कौन है? ए महाकाली, बी महालक्ष्मी, सी सरस्वती या डी दुर्गा देवी। तो सी सरस्वती। चौथा, प्रकृति शब्द का अर्थ है? ए अभाव, बी स्वभाव, सी प्रभाव या डी लगाव। तो बी स्वभाव। पांचवा, चारों औरतों ने पीछे आने वाली महिला कैसी थी? तो चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला थी ए काली, बी गोरी, सी युवती, डी वृद्धा। तो उत्तर है डी वृद्धा। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में ये शब्द है बृहस्पति, श्लोको, आश्चर्य, बेटो, नीड, चाव और भीम। तो हम खाली जगह देखेंगे। पहली, पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे, तो इसमें उत्तर आएगा नीड। दूसरा, बातचीत करते करते बात खाली जगह पर जा पहुंची, तो बेटों पर जा पहुंची। तीसरी, लोग बड़े खाली जगह से उसका गीत सुनते हैं, तो इसमें लिखेंगे चाव से उसका गीत सुनते हैं। चौथा, वह आधुनिक युग का खाली जगह है, तो वह आधुनिक युग का भीम है। पांचवा, मेरा बेटा साक्षात खाली जगह का अवतार है, तो बृहस्पति। छठा, तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के खाली जगह का पाठ करता हुआ निकला, तो श्लोको। सातवीं, तीनों औरतें बड़ी ही खाली जगह से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही, तो आश्चर्य से। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि अ वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था, ब उसके कंठ में सरस्वती का निवास था, या क लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। तो उत्तर है क, लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। दूसरा, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि अ बहुत से लोग उसकी कुश्ती देखने आते थे, ब वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था, या क वह हमेशा गदा लेकर चलता था। तो ब वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। तीसरा, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि अ वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था, ब उसे हाथी पर बैठने का शौक था, क उसका जन्म गुरुवार को हुआ था। तो अ वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? तो उत्तर,
सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। दूसरा, कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बातें करने लगी? तो कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। तीसरा, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। चौथा, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तो तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। पांचवा, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? तो चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। प्रश्न छठा, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तो चौथी स्त्री के बेटे का अपनी माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। प्रश्न सात, वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा कैसे बताया? तो वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? तो पहली है, यही सच्चा हीरा है। इसमें उत्तर लिखेंगे, एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरा, माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुँचा दूँ। यह चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। तीसरा, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो ये पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो ये तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवा है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो ये दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। प्रश्न छठा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। दूसरा, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। प्रश्न चौथा, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूँ? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। प्रश्न पांचवा, वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली तीन स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं थे? तो पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा शारीरिक बल में आधुनिक युग का भीम था, तीसरी स्त्री का बेटा विद्या बुद्धि में बृहस्पति अवतार था। उन तीनों स्त्रियों के पुत्रों में अपनी कोई न कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं था जो तो चौथी स्त्री के पुत्र में था। उसकी माताएं सिर पर पानी से भरे घड़े रखकर घर लौट रही थी। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा, पर चौथी स्त्री के बेटे की तरह उनकी मदद करने नहीं आया।
उनमें शिष्या और सेवाभाव जैसे मूल्यवान गुणों का अभाव था। इसीलिए वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे नहीं थे। प्रश्न छठा, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे? तो चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलशाली और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रही अपनी माताओं की उपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर पे पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था। प्रश्न सातवां, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो आप सभी लोग अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं, ये आपको यहाँ लिखना है। तो मैं माँ के कहने पर बाज़ार से चीज़ें खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी दवाएं फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार अपने घर में माता पिता की मदद करता हूँ। प्रश्न आठवां, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंद की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। प्रश्न सातवां, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है इधर उधर की बातें करना, तो गप्पे लगाना, व्यर्थ की बातचीत करना। वाक्य लिखेंगे, इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट आए। दूसरा, लाखों में एक होना, तो विशिष्ट होना। वाक्य है, गांधी जी जैसे नेता लाखों में एक है। तीसरा, मन होना, तो इच्छा होना। वाक्य लिखेंगे, दादी जी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। चौथा है, बराबरी करना, तो मुकाबला करना। वाक्य लिखेंगे, हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पांचवा है, पछाड़ देना, तो हरा देना, गिरा देना। वाक्य है, दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। छठा, कंठ में सरस्वती का निवास होना, तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। वाक्य है, लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती। सातवा, गोंद का हीरा, तो प्यारा बेटा। वाक्य है, वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा है। आठवा, गदगद स्वर में कहना, तो अत्यंत आनंदित होकर कहना। वाक्य है, माँ ने गदगद स्वर में कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है। नौवा, सच्चा हीरा होना, तो अच्छा आदमी होना। वाक्य लिखेंगे, भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। प्रश्न आठवां, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो ये कहानी लिखनी है इस वाक्य से, राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता,
किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना और सीख। तो हम शीर्षक देंगे बीमारी का इलाज अथवा सुख का रहस्य। कहानी लिखेंगे चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराजा आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है।